मंगलवार को जीवनी मंडी क्षेत्र स्थित नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी आगरा सभागार में साइबर अपराध पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी और एसीपी आदित्य कुमार ने उद्योगपतियों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए। मंगलवार को जीवनी मंडी क्षेत्र स्थित नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी आगरा सभागार में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी और एसीपी आदित्य कुमार मौजूद रहे। उन्होंने उद्योगपतियों को साइबर अपराध के खतरों और उनसे बचने के उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसीपी मयंक तिवारी ने कार्यशाला में कहा, आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और खासकर व्यापार जगत को इसका गंभीर खतरा है। ऐसे में उद्योगपतियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने डेटा और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, मेलवेयर, रैंसमवेयर आदि के बारे में बताया और उनसे बचने के लिए सरल और प्रभावी तरीके सुझाए। इसके साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों को अपने कंपनियों में साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने पर जोर दिया। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हमारे व्यापारी बंधु भी इससे छूटे नहीं है। इसी क्रम में जो हाल फिलहाल में आगरा में हमने ऐसे अपराध देखे हैं जिसमें व्यापारियों को टारगेट किया गया है, उन्हीं के बारे में जागरूक करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हम पुलिस ऑफिसर होने के नाते पुलिस किस तरीके से उनकी मदद कर सकती है, उन्हीं के लिए ये एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें उन सभी के साथ में एसीपी आदित्य कुमार ने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को बताया कि साइबर अपराधियों से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, किसी भी संदिग्ध ईमेल लिंक या फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें, अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित और इंक्रिप्टेड तरीके से स्टोर करें। कार्यशाला में शामिल उद्योगपति ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह की जानकारी उन्हें साइबर अपराधियों से बचने में मदद करेगी। वे इस प्रकार के आयोजनों को अधिक बार आयोजित करने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए ताकि व्यापार जगत को सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती रहे। हमारे बीच आज श्रीमान आदित्य जी आईपीएस, एसीपी हरिप्रभक और श्रीमान मयंक तिवारी जी एसीपी लोहा मंडी। आज उन लोगों ने चैम्बर में आकर के जो साइबर क्राइम पर कार्यशाला और बहुत सुंदर ढंग से कि हम साइबर क्राइम से कैसे बच सके, कैसे व्यापारियों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं उस पर बहुत ही अच्छे ढंग से सभी व्यापारी भाइयों को अवेयर किया है, समझाया है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं और क्या क्या आपको उचित कार्रवाई करनी है। मैं समझता हूँ दोनों का, मैं हृदय से अपने चैम्बर के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।